बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं हाजिर हुआ हूं यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो मैं बता दूं कि यूएचएस ने अपने गवर्नमेंट के जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जहां जहां मौजूद हैं और उनमें कौन से एमबीबीएस किस में करवाया जा रहा है, बीडीएस किस में करवाया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान डॉक्यूमेंट, टीसीएस प्रिंटर, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप पर, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपने घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। आप घर बैठे ही हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और किसी भी जगह आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करूं तो यहाँ पे उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दी है। और सबसे पहले गुड न्यूज मैं आपको ये बता दूं कि यूएचएस ने एक रिलैक्सेशन दी है खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स उन लोगों ने पहले ऑर्डर दिया था कि आप अपने बोर्ड से और जो है बोर्ड के साथ साथ आप अपने जितने भी आईबीसीसी से हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं यूएचएस ने एक रिलैक्सेशन आपको दे दी है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं तलीमी इस्नाद की आईबीसी से तस्दीक की शर्त लाजमी की शर्त में थोड़ी सी नरमी है। अब सीन ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवारान की सहूलत की पेश नजर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने तलीमी स्नात मैट्रिक एफएससी सर्टिफिकेट और जेड कार्ड के इंटर बोर्ड की ऑडिशन कमीशन आईबीसी से तस्दीक की शर्त को नरम करने का फैसला किया है। उम्मीदवारान को अब ये तलीमी स्नात अपने अपने मुतलका बोर्ड से इंटरमीडिएट और सेकेंडरी से तस्दीक करवा कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगी। सिर्फ वो उम्मीदवारान जो पंजाब के सरकारी या प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में दाखिल हो जाएंगे उनके लिए लाजम है कि वो अपने तलीमी इस्नाद की आईबीसी से तस्दीक करवाएंगे। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं एलेबोरेट करता जा रहा हूँ कि वो खास स्टूडेंट्स अपने आपको अपने मुतलका बोर्ड से तो अटेस्ट करवाना लाजमी है, लेकिन आप आईबीसीसी से अभी लाजमी नहीं है कि आप करवाएं। जिन लोगों ने करवा लिया वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करवाए तो आप जस्ट जस्ट अपने बोर्ड से, अपने मुतलका बोर्ड से अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो देन आप लोग क्या करें, आईबीसी से करवाएं, अदरवाइज आपको कोई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप वेट कर लें, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो देन आप आईबीसीसी से करवा लें। जिन लोगों की अपॉइंटमेंट आ जाती है तो वो लोग इसमें मूव आउट हो जाए, करवा लें। अब उसके बाद मैं दूसरी बात डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेडिकल एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं। सबसे पहले अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, डीजी खान मेडिकल कॉलेज जो है वो आपके सामने डेरा गाजी खान, फातिमा जिनाह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, कैद अजम मेडिकल कॉलेज भावलपुर, उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, उसके बाद यहाँ पे साहिबाल मेडिकल कॉलेज साहिबाल, सरगोधा मेडिकल कॉलेज, सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाहौर, उसके शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीमर खान। तो ये सारे कॉलेज जो हैं ये आपको करवा रहे हैं एमबीबीएस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि डेंटल टेक्नोलॉजी की डेंटल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे मोंटेसरी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो है लाहौर, उसके बाद डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट मुल्तान। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पास एमडी कैट विदिन 55% मार्क्स, 120 ठीक है, उसके बाद 110 और 200 में से होने चाहिए मार्क्स विद एमबीबीएस, और 50% 100 ओवर 200 मार्क्स फॉर एमबीबीएस और एडमिशन, यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। इस तरह यहाँ पे मोस्टली रिक्वायरमेंट्स आपके सामने बता दी गई। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, केयरफुली अप्लाई ऑन यूएचएस वेबसाइट, विजिट द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल गवर्नमेंट यूएचएस, यहाँ पे आपके सामने सारी डिस्कशन कर दी गई, आप इसको देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद 16 अक्टूबर, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 31 अक्टूबर, मीन टू से दैट आपके पास 15 दिन होंगे खास और खास। मेडिकल बोर्ड फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी 2nd and 5th November 2023 एट यूएचएस सिटी, पर रीजनल मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 13 नवंबर को होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 17 नवंबर को होगी। इस तरह सिलेक्शन ऑफ द एमबीबीएस और बीडीएस, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन जो है वो 20th नवंबर और सेकंड कॉलेज वाइज बीडीएस के लिए 2nd जनवरी। ये सारी डिटेल आपके सामने दी गई है, तो मेरा काम था कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन एलेबोरेट करूँ और शेयर करता जाऊँ। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो करना चाह रहे हैं, आप इसको रीड करें और अप्लाई प्रोसेस को देखें, और जिसने अप्लाई करवाना है तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे बैठाए, आपको किसी शॉप, किसी इदारे, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत है। जजाकला शुक्रिया।